नोएडा के तथा कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को 44 दिनों बाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि बीते दिनों श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें श्रीकांत त्यागी एक महिला को अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट की धारा जोड़ी थी। वहीं प्रशासन ने उसके घर के बाहर अवैध निर्माण को तोड़कर एक बड़ा संदेश दिया था। बता दें कि श्रीकांत त्यागी पर पहले से ही कई मामलों में गौतम बुद्ध नगर केस दर्ज है, जिसमें जिला कोर्ट से बेल मिल चुकी है। उसके रिहाई की मांग को लेकर त्यागी समाज के लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। गैंगस्टर एक्ट के मामले में श्रीकांत त्यागी को आज हाईकोर्ट से बेल मिल गई है।